press the bell icon on the YouTube app and never. अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा के वर्ल्ड कप में एक जबरदस्त जीत को दर्ज किया, तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तानी फैंस का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाबर आजम मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया की। बाबर आजम ने वाल ऐसे इधर से कटाए, मिरासी मांगने वाले होते हैं, ये खेलने वाला नहीं है, ये मिरासियों वाला काम है। बाबर आजम चूतिए तुम पे, बीस स्कोर नहीं बना सका जितना बाबर आजम बेशमाल लानत। बाबर आजम का टिकट था ना, आपको हारने की वजह बताता हूँ जी, वो हमारे सपोर्ट करेगी हम इंडिया को। वो प्लेयर है, ये प्लेयर नहीं है। पाकिस्तानी टीम को युगांडा के साथ खेलना चाहिए, बच्चों के साथ। युगांडा के साथ यस। पाकिस्तान टीम बाबर आजम कंजर कप्तान, बाबर आजम कंजर कप्तान मिरासी। चेस करने देना था। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान मैच हार गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी भी कुछ कहने के लिए बचा हुआ है? नहीं मतलब मुझे बताया, अभी भी हम अपनी दुकानें छोड़ के यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं। ठीक है, रन बॉल स्कोर है वो इनसे नहीं हो रहा है। 120 रन था, मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको छोड़ दो आप, रिजवान बाबर को निकाल दो आप यार, आप बाबर को निकाल दो भाई। क्या किया उसने? जिम्बाब्वे से जीते, जिम्बाब्वे से जीते, आयरलैंड से जीते, बस ये जिम्बाब्वे बस ठीक हो गया, ये बाबर है बस। ठीक है, नहीं हार जीत होती नहीं रहती, हार जीत यूएसए से भी हार जीत हो गई, 120 भी। पूरी टीम पाकिस्तान आके चेंज करते हैं, सारे नए भर्ती करें लड़के, क्या हाल है? एंड में हम सिर्फ यही सुनते हैं, हमें तुमसे प्यार है, भी यही प्यार है। अच्छा, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? छोटे से होते थे, इतने हो गए हैं। हिटलर ने जैसे किया था, इनको खड़े हो गए, इन सारों को गोली मार दो, इनको मार दो, मार दो इनको, पाकिस्तान टीम को आपको लग रहा है मैच फिक्सिंग था? क्या लगता है आपको? मुझे खिलाओ 120, मैं अकेला पूरा करूं साले बैठो। हमें हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है भाईजान के भाई, और किसी से भी हार जाए जीत जाए कोई मसला नहीं, इंडिया से नहीं हारना चाहिए। इंडिया से अगर आप हारते हो, आप अगर 180 होता तब आप हारते तो बनता है, 120 पे आप हारो तो फिर तो लानत है आप पे। मतलब आप फुल इतना डिफेंसिव खेल रहे हो, इतने आप डरे हुए। बॉलर ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन क्या फायदा, जब इनके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। इनको गालियां दो, इनको मार दो, इनको बाबर आजम क्या है? बाबर आजम हु इज बाबर आजम? मैं अब इसको क्या कहूँ? बाबर आजम को सबसे पहले कैप्टनसी नहीं आती इसे। अच्छा, कैप्टनसी नहीं आती। मुझे बताएं कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है उनका? कॉन्फिडेंस इनमें टट्टू कॉन्फिडेंस है। इनको बॉलर ने तो अपना सारा कुछ कर दिया, बैट्समैन क्या करेंगे? इनको सिंगल नहीं ली जाती, टट्टू तरीन लानत घटिया तरीन टीम। मैं कहता हूँ इनको कनाडा से भी आना चाहिए। छक्के नहीं लग रहे थे लेकिन बॉलर ने आगे प्रॉपर हिट किया है, बैट्समैन से नहीं लग रहे थे, बॉलर मार सकते तो बैट्समैन नहीं मार सकता। इंडिया के कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इस मैच में आपको लगता है यार इसकी वजह से मैच ले गए हैं वो? सर देखे, एक अकेला बंदा मैच नहीं जीतवाता। अगर हम कहना इंडिया मैच जीती है तो हमारे पाकिस्तान प्लेयर की वजह से जीती है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान प्लेयरों की बगैरती है जिन्होंने मैच उन्हें प्लेट में रख के दिया है, उनकी इतनी कमाल नहीं है। ये हैरत वाली बात है कि इस दफा जब हम मैच देख रहे थे तो क्लैपिंग जो हो रही थी वो छक्के पे चौके पे नहीं हो रही थी, वो हो रही थी व्हाइट बॉल कर दी उनके, सिंगल डबल या व्हाइट बॉल पे हो रही थी। हमारे तो इनसे बैट इवन के बैट टच भी नहीं हो रहे थे, जैसे इन्होंने कभी खेला ही नहीं है पूरे मैच में। एक
एक छक्का या एक चौका ही देखा है, उसके बाद हमने और कोई चीज नहीं देखी। ठीक हो गया। आइए मजीद अजी, आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये हमारे साथ खेल रहे हैं इतनी देर। अच्छा, इंडिया के साथ नहीं खेल रहे, हमारे अपने जज्बात के साथ खेल रहे हैं। हमें बस स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए थी जो हमने की नहीं। ठीक है, बड़ा नॉर्मल सा बड़ा इजी सा टारगेट लग रहा था। अभी से आधा घंटे पहले तक सब पाकिस्तानियों को यही लग रहा था कि भाई मैच तो हम जीत चुके हैं, चलो फिर भी जीत का मजा एंजॉय करने के लिए लास्ट तक देखते हैं। लेकिन आखिरी चार पांच ओवर्स में जिस तरीके से पाकिस्तान के बैट्समैन ने, खास तौर पे अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, खास तौर पे अमाद वसीम की बात करें, बहुत ही मायूस किया है। क्या लगता है आपको, बॉलर्स हमारे बेहतर हैं, हमारे बैट्समैन की वजह से हारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम पहले तो कुदरत के निजाम पे निर्भर थे, लेकिन ठीक है, बॉलिंग हमने बड़ी अच्छी की जिसकी वजह से हमें उम्मीद मिली। शुरू में हमने बैटिंग भी थी, बहुत उम्मीद थी, ऐसे नहीं थोड़ी उम्मीद थी। ठीक है, शुरू में हमें बैटिंग भी बड़ी अच्छी की, लेकिन विकेट गिरी, हमने कहा चले हिटिंग करें, कुछ बेहतर हो जाएगा। उन्होंने हिटिंग भी नहीं की और विकेट भी दे। ठीक है भाईजान, आप मुझे ये बताएं अब क्या लगता है, जैसे यूएसए से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए, अब बहुत चांसेस ये हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन भाई अल्लाह करे, अल्लाह करे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, ये वर्ल्ड कप से हार जाए, अगला जो क्वालिफायर है, अगला बाहर हो गए हैं, अगला जो क्वालिफायर है, अब मतलब कि हमारी इतनी घटिया टीम हो गई है कि दूसरी टीमें हारेंगी तो हम अंदर आएंगे। लाइक सीरियसली हमारी टीम के अंदर नंबर वन पाकिस्तान, मतलब ऑल वर्ल्ड अराउंड हमारी टीम के अंदर नंबर वन बैट्समैन है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, और ये किस तरह के बैट्समैन है, लाइक सीरियसली गाइस, मतलब इनको पता ही नहीं है, इतनी बड़ी हमारे टीम के अंदर नाम बैठे हैं और हम लोग यूएसए से हार गए। इनको कनाडा से भी हारना चाहिए, आयरलैंड से हारना चाहिए, उसके बाद बॉलर्स ने हमारा जो है ना बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बैट्समैन ने, मतलब आप इफ्तिखार को देख लें, आप देख लें इमाद वसीम को देख लें, इमाद वसीम ने 5-6 बीट लगातार, मतलब ये होना और ना होना उसका टीम में कोई फायदा नहीं था। अच्छा, और फिर चीज ये भी नजर आ रही थी कि यार अब एटलीस्ट लास्ट में हिटिंग कर लो यार, इनसे अच्छा तो नसीम शाह रह गया। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया, इन्होंने आउट ही होना था अगर, तो ये ट्राई करके आउट हो जाता, क्या पता तुक्के से, क्योंकि ये तो तुक्के टुल्ला रहे ये लोग, तुक्के से क्या पता एक चौका छक्का ही लग जाता। ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान टीम के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि भाई हम जब भी जीते दुआओं से जीते हैं, तो इसमें जहां जितना कसूर हमारे प्लेयर्स का उतना हम सब गए, हमने दुआएं नहीं सही की, ऐसी बात नहीं है, दुआएं लोगों ने बड़ी की, लोग बड़े पुरजोश थे, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम जो है वो हमेशा की तरह हमें, मतलब के ना उम्मीद ही, मतलब के हम कभी भी खुश नहीं करती, ना उम्मीद करती है, डिसअपॉइंटेड। हम अमेरिका से आ रहे हैं, ठीक है, उनसे हम कर्जा लेते हैं, हम जीत जाते हैं, हमें उन्होंने कर्जा नहीं दिया, तो इंडिया से क्या लेते हैं? इंडिया से फिक्स पैसा लेते हैं और क्या करते हैं, मतलब ये हमारी टीम में सर मैं आपको बताता हूँ ना, अच्छा जब मैच शुरू हुआ, मैच शुरू हुआ, ठीक है, उस वक्त 60-65 रेट था इंडिया का, इंडिया फेवरेट जा रहा था, जब टारगेट इंडिया ने बैटिंग खत्म की, उस वक्त हॉट फेवरेट पाकिस्तान हो गया था, ठीक है, 80-90% प्रेडिक्शन जा रही है यार, हमें भाईजान अपने पे इतबार ही नहीं है कि हम जीतेंगे, ठीक है, हमने पैसा बनाना है, वो किसी दूसरे नंबर पे, क्रिकेट का बादशाह जेल में है, क्रिकेट हम जीत ही नहीं। अगर हमने आजम खान की जगह इमाद वसीम को खिलाया तो उसको चाहिए था ना कुछ करे, नो डाउट, इसमें और बड़ा नाम है इमाद वसीम, बड़ा ऊपर खेली जा रहा है, ऊपर खेले, उसको सीधा तो पहले लगा ले भाई, टुक टुक खेले जा रहे हैं शुरू से, नहीं क्या ये वजह तो नहीं है, क्या ये वजह तो नहीं इंडिया के प्रेशर में आ गया थोड़ा सा? नहीं, इंडिया प्रेशर में आ गया था, लेकिन हमने स्लो खेल खेल के अपने ऊपर अपने ऊपर खुद प्रेशर लिया, उनकी ऐसे नहीं है, हम अपने ऊपर खुद प्रेशर लाए हैं, अगर हम एक आधी बाउंड्री भी लगाते ना, ठीक है, एक ओवर सही निकालते ना, एक ओवर गंदा भी गुजरता, मेरे को मसला ना होता। मैं ये बात यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी ज्यादा, बल्कि पूरी दुनिया को पता है, सबसे फेवरेट गेम पाकिस्तानियों की क्रिकेट है, इवन हमारी नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, पर बट जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, बड़ा इवेंट होता है, पाकिस्तान की टीम इस तरीके से मायूस करती है, कुछ लोग ये कहते हैं बिक गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंस। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी एंटरटेनिंग और मजेदार लगी होगी, जहां पे आपने देखा पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम से काफी ज्यादा नाराज और दुखी नजर आए, और एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो आसानी से मैच जीत रही थी, पर हमारी भारतीय टीम जबरदस्त वापसी की जज्बा दिखाया, और सच कहें तो भारतीय टीम बिल्कुल बहादुरी से खेली, इसी वजह से भारत की टीम ने पाकिस्तान को लगभग वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट और मजेदार रिएक्शंस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।